काजू 600 रुपए किलो मार्केट मार्केट से जाना यार। अब भी रविवार बाजार में आए तो चाचा जी को सपोर्ट कीजिए। दो गिलास से अनकंफर्टेबल क्या बोलते इधर ही 150 का दो इधर ही 50 रुपए 50 रुपए यहाँ पे भाव सब कराते हैं। पहले सब महंगा कहते हैं, बाद में भाव वो कराते। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अहमदाबाद मेट्रो सिटी गुजरात के अंदर। जैसे कि फिल्म में नजर आ रहा है रिवर फ्रंट अहमदाबाद के अंदर, तो भारत यात्रा के अंदर इस वक्त आए हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर। यहाँ पे रविवार के दिन एक मार्केट लगता है जिसको पुराने जमाने में गुजरी बाजार भी कहा जाता था, और फिलहाल जो है रविवारी बाजार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर काफी सारी पुरानी चीजें वगैरह खरीदने के लिए मिल जाती है। तो आज पूरा मार्केट हम दिखाएंगे आपको कैमरे की नजर से, तो लेके चलते हैं आपको सीधा रविवारी बाजार के अंदर। क्या क्या विशेष है इस बार वो सारा देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा जो है साइकिल का सामान वगैरह यहाँ पर मिलता है। जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लगे हुए हैं दुकाने, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चटाई की दुकान भी है मार्केट में, और यहाँ अंजीर है, काजू है, बादाम है, और रेट एकदम किफायती है यहाँ पर। रेट की अगर बात करें, क्या भाव है बादाम यहाँ पर? 650। और काजू 600। यहाँ पे फिक्स भाव रहता है या थोड़ा भाव वगैरह होता है? सही रहता है ना। और क्वालिटी कैसा रहता है यहाँ का? एक नंबर। तो थोड़ा हमने यहाँ पे भाव पूछा तो आंटी जी ने बताया कि भी क्वालिटी एक नंबर रहता है और भाव में थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लेंगे। काजू 600 रुपए किलो, बादाम एक नंबर माल है भैया, और अंजीर क्या भाव बताया आपने? 600 रुपए फ्रेश वाले काजू। ये गोंद रहेगा? गोंद 300 का किलो। ये कौन सा देसी गोंद बोलेंगे? देसी गोंद बाबर का बोलते हैं इसको। हाँ, और अंजीर है 1200 रुपए किलो। अंजीर जो है 1200 रुपए किलो? हाँ, बाजार में 2500 रुपए किलो। ये काबुल का अंजीर है, काबुल से आते हैं ये। काबुल से? हाँ। अहमदाबाद के रविवार बाजार में आपको काबुल का अंजीर भी मिल जाएगा। खोपरे की अगर बात करें तो खोपरे का क्या भाव है? खोपरा है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? 400 रुपए। खोपरे की मिठाई बनाते हैं, चलता है उसी में चलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रविवार बाजार। ये रविवार को ही लगा है? ये हम रविवार को ही लगाते हैं, बस 8 दिन हम लोग फेरी करने जाते हैं। भाव बिल्कुल कम में मिल जाएगा। और कुछ और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अंजीर पड़ा है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अंजीर भारी मात्रा में आपको मिल जाएगा। अंजीर है, काजू है, बादाम है, और ये अखरोट चिला हुआ अखरोट। क्या भाव रहेगा चिला हुआ? 600 रुपए किलो। आओ से। तो ये अंजीर जो है चिला हुआ, ये 600 रुपए किलो देखा अखरोट। तो चिला हुआ अखरोट आप जो है 600 रुपए किलो दे रहे हो, और अखरा जो है उसका क्या रेट चलता है? उसका भी 600 ही है, दुकान में 1200 रुपए किलो है। इसकी खाली कश्मीरी गिरी है इसलिए इसका भाव कम है। दुकान में जो यही आइटम 1200 रुपए किलो रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 600 रुपए किलो मिल जाएगा। और एड्रेस मैंने आपको बताया हिंदू सेवा समिति के जस्ट सामने, जो अभी इससे आगे का जो आपने कुटीर देगा वहीं पे उन्हीं की है परिवार से, तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। देखिए काफी लोग जो है यहाँ पर रविवार बाजार में आते हैं खरीदारी करने के लिए वगैरह। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का अभी और भी आगे दिखाएंगे। आया माल एक नंबर है, आप बताओ माल सारा बाकी। यहाँ पे रविवार के दिन काफी भीड़ लगती है, आप देख पा रहे होंगे पब्लिक जो है यहाँ पे टूट पड़ती है। पूरे अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास के विस्तार से भी काफी सारे लोग जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, जिसे रविवारी बाजार और गुजरी बाजार भी कहा जाता है। अभी आपको और आगे लेकर चलेंगे इस तरफ, जहाँ पे और भी काफी सारे घर बकरी का जो सामान होता है घर में उपयोग लिया गया वो सारा सामान आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, हमारा जीतू भाई है। जीतू भाई नाम है? जीतू भाई। सुभाष जीतू भाई। काजू बाजार जीतू भाई। तो ये भैया
ये भैया बोल रहे हैं कि जो काजू अभी तोल रहे हैं इनका नाम भी जीतू भाई है, जीतू भाई काजू वाला नाम से फेमस है, जीतू भाई काजू वाला। तो मैं रविवार बाजार में आओ तो कोई नंबर पूछ ही ले जाओ, मतलब किसी को भी गुजराती थोड़ा थोड़ा आवड़ना लग गया मेरे को, समझ लो किसी को पूछ लेना जीतू भाई काजू वाला का रहता है चाय वाले के बाजू में, चाय वाले ये जो चाय की स्टॉल है इसके जस्ट बाजू में आपको जीतू भाई मिलेंगे काजू वाला। और आप बोले कि जीतू भाई का वीडियो देखा था, मैं भी जीतू भाई हूँ, ये जीतू भाई के वीडियो हम देख सकेंगे, तो जीतू भाई का वीडियो देख के जीतू भाई से काजू लेंगे। ये काजल बहन है मेरी सिस्टर है, अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी देख सकते हो, एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, और मैंने कई सारे वीडियो में आपसे बोला है कि हमारे भारत के जो छोटे मोटे दुकानदार है इनसे आप सामान लीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, खास तौर पे इनको बढ़ावा दीजिए, बहुत मजा आएगा, आप एक बार करके देखिए काफी अच्छा लगेगा। तो अभी देखना आपने सारे ड्राई फ्रूट्स की दुकान वगैरह थे, यहाँ पे एक आंटी जी जो है यहाँ पे कम्बल वगैरह जो है सर्दी का मौसम कम्बल बेचते हैं, फिर ये देखिए शेरवानी वगैरह भी जो है शादी की शेरवानी वगैरह वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सेकंड हैंड कपड़े जो सेकंड हैंड कपड़े आते हैं उसका भी मार्केट लगता है यहाँ पे, आपको सेकंड हैंड और नए दोनों प्रकार के कपड़े मिलेंगे। ऑल दिस गोल्ड यानी कि अहमदाबाद का गुजरी बाजार रविवारी बाजार, आप एक साड़ी की दुकान है, दुकानदार बैठे है, इनसे भी जानते हैं किस तरह का मार्केट है ये, न्यू मार्केट के बारे में क्या कहेंगे, इसको क्या नाम से जाना जाता है? ये रविवार के मार्केट से जाना जाता है। आप जो ये साड़ियाँ बेच रहे हैं ये मतलब नवी रहती है या सेकंड रेट रहती है? सेकंड में रहती है, सेकंड में रहती है। बिल्कुल, भाव की अगर बात करें तो क्या भाव रहता है अंदाजे? जैसे ये साड़ी है 100 रुपया, 100 रुपए, और ये वाली सब 100 रुपया, सारी 100 रुपए, और ये जितनी लगी हुई है ये 100 रुपये, तो 100 रुपए मात्र 100 रुपए के अंदर आपको सेकंड हैंड साड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? शरीफ भाई। शरीफ भाई, नाम भी इनका शरीफ है, तो शरीफ भाई की दुकान पे आप विजिट कीजिएगा, रविवार बाजार के अंदर आते हैं, 100 रुपए में आप देखिए रंग बिरंगी फैंसी तरह तरह की साड़ी है, सेकंड हैंड है, और आपको 100 रुपए में मिल जाएगी। तो चलिए लेके चलते हैं मार्केट में, और भी कुछ जो है अलग अलग चीजें दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा। अच्छा, पैंट पीस भी रखते हैं आप? पैंट पीस क्या भाव से देते हैं? 150 रुपए का, 150 रुपए का कोई भी इनमें से? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों काफी अच्छे अच्छे पैंट पीस वगैरह है, कपड़ा भी आपको 500 रुपए से नीचे कोई पीस है मार्केट में, 500 रुपए से नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ मात्र 150 रुपए के अंदर आपको पैंट पीस मिल जाएगा। तो देरी कितने आपकी दोस्तों, आज रविवार है, अगर आज आप देख रहे हैं वीडियो नहीं तो अगले रविवार को आप आइए अहमदाबाद के अंदर, शरीफ भाई नाम है इनका, शरीफ भाई की दुकान से आप शॉपिंग कीजिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दीजिए। दुकान यहाँ लगी हुई आप देख पा रहे होंगे, छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह सब मिल जाएगा आपको, देखिए ये अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, कम्बल वगैरह जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये बर्तन की दुकान है, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। भाई ना फोटो है, ये छोटा बच्चा है, ये बोल रहे हमारा फोटो, तो इनको जूम आउट करके दिखाते हैं आपको, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, और ये बर्तन की दुकान है दोस्तों, तो आप यहाँ से बर्तन भी ले सकते हैं, रविवार बाजार अहमदाबाद। यहाँ पर सेल लगी हुई 80 रुपए में बेल्ट है, 3 जोड़ी मोजा 50 रुपए, तो पूरा सेल वगैरह लगा हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 300 रुपए दो बिक रहे हैं। पूरा कपड़े का, मोजे का वगैरह, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सभी साइज के कपड़े आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे, जींस पैंटे वगैरह। और ये देखिए ये चाचा जो है पानी की सेवा करते हैं, पानी की बोतल, तो देखिए ये पानी की बोतल है, चलिए गर्मी का थोड़ा ठंडी विद गर्मी लग रही है, अरविंद भाई चाचा एक 10 वाली बोतल दे दीजिए ना, ठंडी मीडियम दीजिए, अभी ठंडी का थोड़ा मौसम है ना, लीजिए तरह। अरे आप तो चाचा से हमने पानी की बोतल ले ली, आप भी रविवार बाजार में आए तो चाचा जी को सपोर्ट कीजिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो हमारे भारत के छोटे मोटे दुकानदार हैं इनसे सामान लीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए और देश की उन्नति में एक अपना सहयोग दीजिए। ज्वेलरी यानी के इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह है उसमें भी आपको काफी अच्छी अच्छी रेंज मिल जाएगी,
मंगलसूत्र है, अंगूठी है, सारा वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो ये खिलौने की दुकान है, यहाँ पे आपको टेडी बियर वगैरह मिल जाएगा। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है, तो आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट के लिए वगैरह यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे टेडी बियर खिलौने वगैरह मिल जाएंगे। कैमरामैन एक बार ये वाले खिलौने भी बताइए जो नीचे पर है सारे। तो बहुत ही बेहतरीन खिलौने जो है रविवार बाजार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे बच्चों के टिफिन वगैरह है, स्कूल के बच्चों के टिफिन है, काफी सारी जो रेंज आपको देखने को और मिल जाएगी। घर में उपयोग लेने वाले पानी की बॉटल्स वगैरह जो है, तो आप आइए एक बार खरीदारी कीजिए यहाँ से रविवार बाजार में से, और इनको सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी 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 जी, जी, जी। मेरा नाम जितेंद्र, जितेंद्र जे के मथरिया। ये कल सुबह में आएगा, कल सुबह में आएगा, आप हर रविवार को लगाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रेट की अगर बात करें तो क्या रेट में देते हैं आप? 60 रुपए। दोस्तों रेट भी इनका काफी व्याजबी है, ये 60 रुपए। और ये पानी की बोतल कितने की है? ये 100 रुपए की मिलेगी, और ये वाली जो है 60 रुपए की मिलेगी। दोस्तों आप बड़े बड़े शोरूम पे या बड़े बड़े शोरूम पे शॉप पे जाते हैं, ये मात्र 20 रुपए की। देखिए कितनी फैंसी बोतल है, मात्र 20 रुपए के अंदर आपको ये बोतल मिल जाएगी। और ये वाली ये 30 रुपए की, 20 रुपए की। देखिए काफी सुंदर सुंदर बोतलें हैं, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, फैमिली को खुश कर सकते हैं आप यहाँ से। अच्छा अनकम्फर्टेबल रहेगी, तो देखिए मतलब 20 रुपए की गिलास आपको मिल जाएगी, और एकदम अनकम्फर्टेबल 20 रुपए की दो गिलास है, फाइबर की। ओह तो फाइबर की आएगी दोस्तों, काफी मजबूत और काफी सुंदर सुंदर वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सस्ता नहीं, टिकाऊ नहीं, अच्छा मिलता है हमारे वहाँ। हाँ एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सस्ता हमारे वहाँ मिलता है रविवार बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? सबाना। सबाना जी, तो ये सबाना जी है, आप लोग आइएगा रविवार बाजार के अंदर। आगे मेरी खिलौने की शॉप है, ये मेरी ननंद है, मैं इनके पास करी हूँ। अच्छा अच्छा, आगे आपकी खिलौने की शॉप है? हाँ 60-60 की खिलौने की शॉप है मेरी। 8 रुपए कोई भी खिलौना, कोई भी खिलौना हो। बिल्कुल 60 रुपए, वो भी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों अहमदाबाद के लोग कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे है दिल के। और दूसरी बात, आज मेरे को किसी ने पब्लिक अच्छी मजा भाव कराती। अच्छा भाव कराती है, बहुत भाव कराती है। बिल्कुल, ये तो मैं कहना चाहूंगा ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की आठ आठ मंगती हमारे पास। ओह माय गॉड, इतना भाव कराती है। ये देखिए मैंने बोला ना कि अहमदाबाद के लोग काफी दिल के अच्छे हैं, ये अहमदाबाद से हैं। बिल्कुल, तो अच्छा कस्टमर अच्छे। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि इनसे आप भाव करवाने आए तो भाव मत करो। इसका कारण मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बड़े बड़े शोरूम में पिज्जा डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हो, वहाँ भाव नहीं कराते, वहाँ भाव नहीं कराते, वहाँ भाव नहीं कराते। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो यहाँ क्यों भाव कराते? 250 रुपए के पिज्जा, उसमें भी अभी फिलहाल न्यूज में चल रहा है कि पिज्जा के अंदर जीव जीवात निकल रहे हैं, और वो भी आप वहाँ पे खा रहे हो, वहाँ भाव नहीं कराते। यहाँ पे 20 रुपए में आपको एकदम मतलब जो किफायती, मतलब 20 रुपए में दो गिलास दे रहे हैं, और वो भी अनब्रेकेबल, कितना भी आप मचका टूटेगी नहीं, तो इसमें भाव कराते, बड़े शर्म की बात है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो भाव नहीं करवाएंगे, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल, मैडम ने कहा है कि प्रॉमिस कीजिएगा भाव नहीं करवाएंगे, ठीक है? चलिए अभी इनकी खिलौने की दुकान भी आगे दिखाएंगे, और भी मार्केट पूरा। बिल्कुल, कहाँ? इसी साइड में है सर। तो यहाँ पर जो है आपको 150 रुपए के दो बेच रहे हैं भैया, तो एकदम देखिए छोटे बच्चों के टी शर्ट वगैरह है, तो इसमें से आप कुछ भी लेंगे तो मात्र 150 रुपए के दो मिल जाएंगे। ये 100 रुपीज का है, लोकल लो बात। ठंडी का मौसम चल रहा है, देखिए पूरा शेड आपको 100 में दे रहे हैं। और ये वाला ये 150 रुपए, एकदम रेट किफायती है इनकी। तो आप लोग आइएगा मार्केट में रविवार बाजार अहमदाबाद के अंदर, शॉपिंग कीजिएगा यहाँ से। और ये ठंडी के जैकेट्स वगैरह है, मार्केट काफी बड़ा है। हालांकि और इनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफी अच्छी है। एक बार फिर से भैया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इधर डेढ़ सौ का दो, इधर माइंड ब्लोइंग, मतलब
तो आपने देखा इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है 150 का दो, मतलब आपका ध्यान किधर है, 150 में दो बेचने वाले भैया इधर है, तो जल्दी से आइए यहाँ से 150 में दो लीजिए, आप भी खुश आपके बच्चे भी खुश। और अभी आ चुका है चप्पल का डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको जो है जेके मथुरा ब्लॉक, तो यहाँ पे सारे चप्पल की रेंज वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाएगी, चप्पल्स वगैरह जो है बच्चों के चप्पल, बड़ों के चप्पल, लेडीज जेंट्स सभी वेरायटी चप्पल में मिल जाएगी यहाँ पे आपको। और इधर आप देख रहे होंगे किचन वेयर का सामान है सारा, किचन वेयर का सारा सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखिए आगे स्पीकर बज रहा है 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, तो काफी भीड़ नजर आ रही है, काफी भीड़ है शॉप पे। 10 रुपए में कोई भी आइटम आप देख पा रहे होंगे, 10 रुपए कोई भी आइटम। चलो भाई चलते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया। और ये जींस की दुकान है वगैरह, अलग अलग रेट में आपको सामान मिल जाएगा। फैंसी में काफी अच्छी रेंज है भैया के यहाँ पे, आप देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर रेंज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। आईने की दुकान यहाँ पर, कांच की दुकान, यानी कि आईना वगैरह भी आपको अच्छे अच्छे आईने मिल जाएंगे यहाँ पर, सुंदर सुंदर फैंसी आईने जो है यहाँ पे देखिए। आईने में भी काफी सारी रेंज है, आईने के साथ वॉच भी है, घड़ियाल वगैरह भी है। पब्लिक काफी सारी आती है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, मतलब रविवार बाजार के अंदर आप देख पा रहे होंगे, अभी दोपहर के करीब करीब 1 बजने को है और 1 बजे के टाइम में ये पब्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पे जो बच्चों के लिए स्टडी टेबल वगैरह आते हैं, और छोटे बच्चों के लिए जो खेलने के लिए लकड़ी के चूल्हे वगैरह है, और स्टडी टेबल वगैरह में काफ़ी अच्छी अच्छी रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए मिनी स्टूल है, और सामने देखिए कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और वो भैया बता रहे हैं कि वो 200 वाली है। तो मार्केट में काफी रौनक देखने को मिल रही है, दिस इज फॉर रविवार बाजार, गुजरी बाजार भी कहा जाता है इसे अहमदाबाद, रविवार बाजार। और यहाँ पे लैंगिस जो है 20 रुपया 20 रुपया, सारा जो है 20 रुपए में दिख रहा है। ये देखिए गुड़िया के बाल वाला, गुड़िया के बाल वाला भैया एक शॉप है, आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, सामान वामान अंदर खरीदारी कर लिया है, फिर सामान डालने के लिए बैग चाहिए तो बैग आपको यहाँ से मिल जाएगा। ₹50 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 150 में दो, अच्छा 150 का 2, यहाँ 150 में 2 कोई भी आइटम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 150 में 2 पे कोई भी आइटम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे माइक पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और देखिए काफी अच्छी अच्छी रेंज यहाँ पे जो है 150 रुपए में दो मिल जाएगी। तो आइए आप लोग सभी रविवार बाजार के अंदर हमारे जो दुकानदार भाई इनको सपोर्ट कीजिए, आत्मनिर्भर भारत के कदम एक कदम बढ़ाइए। यहाँ पे आए मशीन वाले भैया है जो कि सब्जी काटने की मशीन वगैरह सेल करते हैं, क्या रेट की देते हैं भैया? 100 रुपए की। अच्छा इसका कार्य एक बार बताइए ना, किस तरह से रहता है ये सारा? आलू की चिप्स तैयार हो चुकी है, ये देखिए चाइनीज के लिए आपकी कोबिज तैयार है, और मार्केट में मिलेगा 150 में, और कॉम्बो दे रहे हैं मतलब, है ना, ये साथ में आएगा। देखिए मशीन है उसके साथ में ये चाकू का और लाइटर का कॉम्बो आएगा मात्र 100 रुपए में। और भैया का सेटअप काफी अच्छा है, देखिए स्पीकर सेट किया हुआ है, माइक इन्होंने लगा रखा है, जिससे कि जो कस्टमर को जो है
आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक कुछ तो देखिए काफी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, प्याज है, आलू है, सब कुछ जो कटिंग करने के लिए मशीन जो है मात्र 100 रुपए में जो है यहाँ पे रोयर बाजार के अंदर भैया बैठते हैं। तो आप लोग आइएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। मैडम शॉपिंग करने के लिए इनसे जानते हैं, मैडम कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भोपाल से आ रही हूँ। अच्छा, भोपाल से आ रहे हैं। तो भोपाल जो है अहमदाबाद का प्राइम लोकेशन कहा जाता है, और वहाँ से यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम इससे पहले कभी आए? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रविवार बाजार के अंदर? बहुत मस्त है, सस्ती आइटम भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है। सस्ती आइटम भी मिलती है, अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अच्छी मिलती है। तो मैडम जो है रविवार बाजार के अंदर आए, शॉपिंग वगैरह कुछ किया आपने? हाँ किया ना, थोड़ा तो। तो मैडम का रिव्यूज था कभी, मैडम भोपाल से आए हैं, इन्होंने शॉपिंग की, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो काफी अच्छा मार्केट है दोस्तों। आप भी अहमदाबाद बाहर से आते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, रविवार बाजार के अंदर आइए, आना चाहिए सबको, है ना। और ये जो छोटे मोटे दुकानदार है, मोदी जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत दुकानदार को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और आगे एक मैडम ने हमें बताया जो दुकानदार थे सबीना जी, तो यहाँ पे लोग भाव तो बहुत करवाते हैं अहमदाबाद के लोग, इधर भाव सब कराते हैं, पहले सब महंगा कहते हैं, बाद में भाव वो कराते हैं। ये एक परंपरा है हमारे पास, मार्जिन करते इधर सब मार्जिन करते। चलिए थैंक यू मैडम, आपने रिव्यूज दिया उसके लिए। तो मैडम थे भोपाल से, इन्होंने काफी अच्छा रिव्यूज दिया। तो आइए जल्दी से रविवार बाजार के अंदर शॉपिंग कीजिए और दुकानदारों को सपोर्ट कीजिए भारत के। तो यहाँ पे घड़ी का सेटअप लगा हुआ है, अगर आपका समय सही नहीं चल रहा हो तो आप भैया के पास में आइएगा रविवार बाजार के अंदर, यहाँ से घड़ी लीजिएगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से शॉपिंग करने के बाद आपका समय 100% सही चलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको एक पत्रकार होने के नाते। और देखिए कुछ लोग यहाँ पे घड़ी लेने के लिए आए हुए भी है, तो आइए मार्केट के अंदर सपोर्ट कीजिए भैया को। और देखिए रविवार बाजार के अंदर सोना चांदी भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ज्वेलरी का पूरा मार्केट लगा हुआ है, जिसमें पायजेब वगैरह है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए पाँव में पहनने वाली पायजेब है, अंगूठी है, सोना चांदी सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि ये इमिटेशन ज्वेलरी रहता है दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको, ये इमिटेशन ज्वेलरी रहता है, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं। बाजार के अंदर हमने इतना सूट किया, पहली बार मतलब जो मैंने बोला कुछ यूनिक चीज देखने को मिलेगी और फाइनली मिल गई, मैं आपको हाथों में लेके बताऊंगा। देखिए दोस्तों आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे जैसे, अरुण भाई इसको रखिए ना, तो ये देखिए माइंड ब्लैंड दोस्तों। हालांकि मैंने शादी नहीं की है, शादी बाकी है मेरी, मेरी शादी होगी तो मैं 4 जोड़ी लेता, लेकिन फिर भी 1 जोड़ी मैं यहाँ से लूंगा ताकि किसी को गिफ्ट कर सकूं जिसके बच्चे हैं। और देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे चप्पल है, अभी जस्ट बहुत ही मतलब जो यूनिक बोलते हैं ना वेरायटी, तो यहाँ पे देखने को मिली। इसमें आपको डिजाइन देखिए गुड़िया के लिए जो है ये फैंसी डिजाइन मिल जाएगी, और ये जो है बॉयज के लिए, तो देखिए सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगा अभी आज पे, मतलब जो अलग में देखते हैं ना, और उसके साथ में ये भी आप ही का स्टॉल है ना, और फिर इनके साथ में जो है बैंगल्स है, तो आपकी नवी नवी शादी हो, दुल्हन हो, तो बीवी के लिए आप ये लेके जा सकते हैं, आप भी खुश, आपकी बीवी भी खुश, मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, वो वाली बात हो जाएगी। तो आइएगा रविवार बाजार के अंदर अपनी बीवी के लिए, खूबसूरत सी बीवी के लिए शॉपिंग जरूर करिएगा, और बच्चों के लिए भी शॉपिंग कीजिएगा। अच्छा भैया रेट की बात करें तो क्या रेट है ये? 50 रुपीज, क्या बात है, क्या बात है, 99 का प्राइस लगा हुआ इसके ऊपर, लेकिन मात्र 50 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, 50 रुपया। तो ये मार्केट से पूरे अहमदाबाद का आप देख पा रहे होंगे नजारा, काफी भीड़ है, काफी पब्लिक आई हुई इस वक्त शॉपिंग करने के लिए। गुजराती में लिखा हुआ है 1 के 2 भाव, यानी कि 10 रुपए, मतलब यहाँ से 10 रुपए कोई भी आएगा। तो लाउड स्पीकर लगा हुआ, इसमें अनाउंसमेंट चल रहा है, 10 रुपए पैकेट, 10 रुपए पैकेट, कोई पण पैकेट लो 10 रुपए पैकेट, तो उसमें 10 रुपए में आपको काफी सारी वेरायटी मिल जाती है। देखिए भूरा है और मिनी बंगा है, ये वाला रंगीन वाला कलरफुल नूडल्स है, और खिचड़ा पापड़ है, और देखिए मसाले है, खिचड़ी का मसाला, सभी प्रकार के मसाले जो है, मुखवास वगैरह भी है, और पापड़ का पैकेट देखिए ये भी 10 रुपए में। तो देखिए इतना सस्ता बिक रहा है, मतलब 10 रुपए के अंदर आप देखिए मुखवास वगैरह है, नारंगी की गोली है, काजू पिस्ता बादाम है वो भी 10 रुपए में बोलो, और ये मसाला चाय के लिए है ना, जो गरम मसाला, गरम मसाला, तेज पत्ता, ये तेज पत्ता रहेगा देखिए, और ये मिर्ची रहेगी मात्र 10 रुपए में, 10 रुपए है,
तो अरविंद भाई जो है यहाँ पर पेंटे बेच रहे हैं। अच्छा, ये पेंटे सेकंड हैंड में रहती है या फर्स्ट? नया माल लेते हैं। क्या ब्रांडेड माल है? दुकान का ब्रांडेड। क्या रेट में देते हैं ये पेंटे आप? कॉटन पड़ेगी 250 रुपया, जीन्स पड़ेगी 300। कॉटन 250 रुपए की और जीन्स 300। जीन्स 300 रुपए की। भैया कुछ शॉपिंग करे, कैसी लग रही है भैया कपड़ा वगैरह की बात करे तो? अच्छा है मतलब ऐसा ना। तो ये रेवर बाजार के अंदर भैया, क्या नाम है भैया आपका? ऋतिक। क्या बात है ऋतिक रोशन जो है, ऋतिक भाई यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं 250 से 300 रुपए रेंज में, है ना? आइएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। शर्ट शर्ट में क्या है दिखाएंगे जरा? शर्ट आया 200 में और 500 में, तीन सब ब्रांडेड माल है सामने। बिल्कुल बिल्कुल। शर्ट कितने पड़ा है सामने? तो शर्ट जो है भैया का सामने पड़ा है, इनकी सामने वाली ब्रांच पे आपको लेके चलते हैं। और ये शर्ट की जो है इनकी शॉप है, जो आपने अभी देखा पेंट वाले भैया थे ऋतिक भाई, ये उन्हीं के दूसरी ब्रांच है। तो क्या रेट से देते हैं शर्ट? 500 का 3, 1 का 200। अगर आप एक शर्ट लेंगे यहाँ से तो आपको जो है 200 रुपए का पड़ेगा, और तीन साथ में लेंगे तो मात्र 500 में पड़ेगा। और ये केवल रविवार के दिन मार्केट लगता है, रविवार बाजार, उसमें आपको सारा मिलेगा। वगैरह होते बच्चों के, उसका सेल लगा हुआ है, देखिए 150 रुपए में। काफी सारी भीड़ जो है उमड़ पड़ी है यहाँ पर, पब्लिक देखिए जैसे एक तरह से टूट पड़ी है। तो बहुत ही शानदार नजारा रविवार बाजार अहमदाबाद का। यहाँ पे जो है स्टील के बर्तनों की दुकान है, जिसमें काफी सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टील के बर्तन है। आंटी जी बर्तन बेचते हैं, इनकी स्माइल काफी अच्छी आप देख पा रहे होंगे। क्या नाम आंटी जी आपका? ज्योति बहन ठक्कर। बिल्कुल ना, आप हर संडे में यहाँ बैठते हैं? यही जगह पे। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी अहमदाबाद में रविवारी बाजार के अंदर आए, ज्योति बहन ठक्कर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनसे स्टील का सामान लेकर के इनके जो उद्योग को बढ़ावा दीजिए। मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत को जो है बढ़ावा देते हुए इनसे देखिए काफी अच्छे अच्छे बर्तन है यहाँ पर। ये क्या प्राइस का बेचते हैं आप? 20 रुपए के अंदर। देखिए डिजाइन वाला चम्मच है, तो काफी अच्छे अच्छे बर्तन है, सभी की रेट एकदम वाजिबी है, किफायती है। तो आइए और हमारे जो छोटे मोटे उद्योगकार है, छोटे मोटे जो दुकानदार है, इनसे खरीदारी करके और बिना भावताव के, एक बात खास ध्यान रखिएगा, भावताव नहीं करवाइए इनसे, तो मजा आएगा एक अलग ही। तो सपोर्ट कीजिए इनको, चलिए जैसे कृष्ण, है ना। फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, अभी सेकंड फेज सामने से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको ओल्ड चीजें देखने को मिलेगी। ओल्ड यानी के पुराने सिक्के वगैरह जो है, पुराने जमाने के जो बर्तन वगैरह हुआ करते थे, वो सारे आपको सेकंड फेज में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों काफी सारी भीड़ है, अभी हम इस तरफ से आए हैं, इधर का पूरा नजारा आपको व्यू दिखाया। और अभी यहाँ पे देखिए काफी सारी पब्लिक है, ये जो एसोसिएशन है मार्केट का, उसका बोर्ड लगा हुआ है, श्री अहमद साहब गुजरी एसोसिएशन, गुजरी बाजार, विक्टोरिया गार्डन, महालक्ष्मी मंदिर, पाचल, अहमदाबाद। पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि आप गाड़ी लेकर आते हो, पार्किंग जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे कीजिएगा। और अभी आपको लेकर चलते हैं सीधा सेकंड फेज में। ये कलर के डिब्बे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, फिर कुछ साइकिल की दुकान है यहाँ पे, साइकिल वगैरह बच्चों की बड़ों की सभी साइकिल आपको मिल जाएगी। ये लारी जो लेकर आ रहे हैं दादा, ये लारी भी आगे आपको नहीं यहाँ पर मिलती है। और घूमते घूमते अगर आपको थकान लग जाती है तो आप यहाँ से सिकंजी पी सकते हो, सिकंजी पी के आप थोड़ा सा जो है 2 गिलास दीजिए ना सिकंजी, तो यहाँ से आप सिकंजी पी करके थोड़े से एनर्जी ले सकते हैं। लीजिए अरुण भाई, तो मात्र 5 रुपए में आपको नींबू सिकंजी यहाँ पे मिल जाएगा। कैसा है टेस्ट सिकंजी? बढ़िया ना, थोड़ी एनर्जी मतलब जो है थक गए इतना चल के। चलिए पहले हम लोग सिकंजी पी लेते, उसके बाद सेकंड फेज दिखाते हैं आपको रविवार बाजार अहमदाबाद का। देखिए पब्लिक जो है काफी सारी आ चुकी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो काफी भीड़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। ये देखिए भाई सब कुछ लेके आया दिखा रहे हैं, ये क्या लेके आप? ये बजीस है। अच्छा बतख, बतख बजीस। अच्छा ये यहाँ से खरीद के लेके आए, आगे मिलता है 400 रुपए का। और फिर इसको आप क्या कर रहे, पकेंगे या फिर
मैं इसको अपने घर पे रख लिया, खाली शौक है। अच्छा शौक है, और पड़ी है बिल्कुल अच्छी लगी तो ले। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा बच्चा भी रविवार बाजार में आया हुआ था, आज देखिए अभी पूछने का आया था चैनल का नाम क्या है। ये अपने मम्मी पापा के साथ आया ना, बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? विराट। क्या बात है, बहुत ही शानदार नाम, विराट कोहली की तरह नाम है इसका। लो कर लो बात, छोटू विराट कोहली ने बोल दिया था, अब सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पर पान की दुकान भी है, सेकंड फ्लोर में जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको पान वाले भैया मिलेंगे। खई के पान बनारस वाला नहीं, खई के पान अहमदाबाद वाला, राइट ना। तो भैया की स्माइल काफी शानदार है, देखिए इनकी स्माइल के लिए एक लाइक कर देना दोस्तों। और अभी तो हमने सेकंड भी है, सेकंड फ्लोर में घूम के आते, फिर टेस्ट भी करते हैं पान का। किस तरह के पान बनाते हैं आप? ये सिंगोड़ा पान है सर। सिंगोड़ा पान सर, मतलब मीठा पान, दाने की दाल मीठा है ना। तो भैया जो है सिंगोड़ा पान बनाते हैं, बहुत ही प्यारा पान है। अभी जस्ट इसकी दुकान वगैरह है और अभी खाना चल रहा है। कैसे दादा? और ये जींस की दुकान है देखिए, और ये भाई साहब वगैरह बोले हमारे भी वीडियो में आना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर की, बिल्कुल। तो देखिए पब्लिक काफी सारी आई है अहमदाबाद के अंदर शॉपिंग करने के लिए, रविवार बाजार यानी कि गुजी भाई। और ये कलर की डिब्बे का दुकान, और सामने चाय वाला भैया मतलब चाय बना रहे हैं। और देखिए यातायात मतलब जो है गाड़ियां भी काफी सारी जो है, और एक घड़ी का लारी है यहाँ पे, घड़ियां सारी लगी हुई है देखिए। एक और बर्तन की दुकान, यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हुए, शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी वगैरह। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ओल्ड बर्तनों का मार्केट पूरा। देखिए सारे पुराने बर्तन वगैरह जो रहते हैं, तपेला वगैरह जो है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।